ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में आगामी 21 मार्च को भूतड़ी अमावस्या के पर्व पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को लेकर पुलिस एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 21 मार्च को भूतड़ी अमावस्या के महापर्व पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का जमावड़ा होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर पुलिस एसपी विवेक सिंह ने यातायात, ज्योतिर्लिंग दर्शन, नर्मदा स्नान के संबंध में पुलिस अधिकारियों और क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने सुरक्षा सहित आने वाले श्रद्धालुओं की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी देखे। पर्व ओंकारेश्वर में आने वाला है और जिसको लेके अभी है, मैंने सभी को आज यहाँ पे हमने मीटिंग किया है। एसडीओपी हैं और टीआई हैं और ट्रैफिक से भी सुविधा रहे हैं और कैसे हम कैसे बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे वो पार्किंग को हो, चाहे वो रूट की हो और दर्शन और घाटों की, तो उसके संबंध में भी चर्चा करने आए थे। क्योंकि अब लगातार ओंकारेश्वर में जब से मैं हूँ तब से ही देख रहा हूँ काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत अधिक इजाफा हुआ है, बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है और उसको लेके अभी व्यवस्थाएं हमको और अधिक मेहनत से कुछ हमको जगह क्रिएट करनी है, कुछ पार्किंग के लिए हमको रास्ते क्रिएट करने हैं, कुछ और वेज चाहिए, कुछ हमको वन वेज क्रिएट करने, वो सारी चीज़ हमको एक बहुत ही बड़े स्तर पे इसमें हमको तैयारी करने की आवश्यकता है और उसके लिए ही आज चर्चा करने आया हूँ। और जिसमें मेन चर्चा अभी जो अगले 10 दिन बाद जो हमारे यहाँ त्यौहार आने वाला है उसको लेके भी था और अभी कुछ स्पॉट्स वगैरह भी जाके मैं देखूँगा कि क्या क्या हम आगे के लिए उसमें तैयारियाँ कर सकते हैं। दूसरा है कि आगे जो जैसे सिंहस्थ में हमने बड़े एक परिवर्तन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप की थी, तो अब जल्द ही हमको उसको लेके भी आगे प्लानिंग करनी होगी, तो उसको लेके भी आज चर्चा यहाँ पे सारी की गई है। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट।